स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारी इसी YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में है। हाँ फ्रेंड्स, ये अभी तक की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू बन चुकी है, जिसकी हाइट 182 मीटर है और इसकी लागत की बात करें तो फ्रेंड्स जितनी भी दुनिया में स्टैचू हैं उन सबसे ज़्यादा लागत इस पर लगी है, 3000 करोड़ प्लस में लगी है। और अगर इसकी स्थापना और कब से ये बन रही है, कब से इसका निर्माण चालू हुआ है और टूरिज़्म के लिए इसको कितना फ़ायदा होगा, ये बात करें तो 2010 में इसकी शुरुआत की थी इन्हीं के ट्रस्ट ने और 2013 में फाइनल मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को है ना सरकारी रूप से शामिल कर लिया था और इस पे अभी तक के 3000 करोड़ खर्च हो चुके हैं और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू बनके तैयार हो चुकी है। और बात करें टूरिज़्म डिपार्टमेंट की कि टूरिज़्म को इससे कितना फ़ायदा होने वाला, क्योंकि इतना ज़्यादा लागत के बाद अगर टूरिज़्म को फ़ायदा ना होगा तो ये हमारे देश के लिए घाटे का सौदा होगा। यहाँ पे टूरिज़्म का देखें तो क्योंकि ये इसकी लोकेशन की पहले बात करें, लोकेशन ऐसी जगह पर है जहाँ पे कम लोग जाना चाहेंगे, मतलब कि ऐसी लोकेशन पे है कि नर्मदा नदी के तट पे है और नर्मदा ज़िला वहाँ का गुजरात का उस वहाँ पर है। क्योंकि अब आप देख लेंगे जो भी बाहर से आएगा तो वो आसपास लाइक ताजमहल, जो कि अभी हमारे इंडिया का सबसे मोस्ट मतलब टूरिज़्म के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा, जो कि 25 करोड़ के आसपास साल से इसका निकलता है ताजमहल से, क्योंकि इस पे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। अगर इतना खर्चा होने के बाद अगर मान लेते हैं 25 करोड़ रुपए इस ये साल भर में निकालेगा तो 3000 करोड़ रुपए की लागत वाला लगभग आपको 120 साल में ये आपको उसकी पूरी लागत निकल पाएगी। तो ये एक कहीं मायने पे अगर देखा जाए तो चलिए सही है, लेकिन ये कहीं मायने पे इसको राजनीति से जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स अभी मैं राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, ये टूरिज़्म की बात करूंगा। मेरे ख्याल से आपको वहाँ पे जाकर देखना उतना सही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर फ़ीस की बात करें तो इसकी अभी एंट्री फ़ीस जो है मैक्सिमम 350 रुपये है पर व्यक्ति का और 120 रुपये जो है सबसे लोएस्ट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं, है ना। तो ये चीज़ें मैं डिसाइड करने वाला नहीं होता, लेकिन मेरे व्यू से, मेरे ख्याल से अगर आप उधर जाते हैं गुजरात साइड में और आप आसपास हैं वहाँ पे तो आप ज़रूर जाइए, लेकिन आप इसी पर्पस से मत जाइए कि आपको वो बड़ी इमारत देखनी है, कि उतनी ज़्यादा ये ख़ास नहीं है। तो फ्रेंड्स खास बोलने का मतलब कि उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, उतना ज़्यादा वहाँ पे जिस हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है और पब्लिक होगी, उस हिसाब से वहाँ पे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मेरा किसी को हर्ट करने का वो नहीं था कि ये अच्छा है या बुरा है, मैंने बस अपना एक फैसला रखा है जो मेरे को पसंद था, मैंने एक अपना ओवरव्यू रखा है ना। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है ना, थोड़ा भी नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिए और मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।